आते जाते दिनों में अगर आप भी कुछ बदलना चाहते हो ना दोस्तों, तो बदलाव आपको खुद बनना पड़ेगा। ये जो आपको सुनने को मिलता है कि तुम बदल चुके हो, तुम सिर्फ अपना सोचते हो, तो आपको ये बोलना होगा कि एक एज के बाद अपना सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तभी साथ होते हैं जब आप खुद भी किसी चीज के लायक होते हैं। अगर आप ही सिर्फ टाइम पास करते रहोगे तो आपके दोस्त यार तो छोड़ो, आपके घर वाले भी आपसे परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इंसान चाहे कैसा भी हो, किसी को भी वो खाली बैठा पसंद नहीं होता। एक बार मैं अपनी सिटी से बाहर घूमने गया था और तभी मैं एक होटल पर चाय वगैरह पीने के लिए रुका, तो मैंने वहां देखा कि एक आदमी था जिसके पैर नहीं थे, तो वो व्हील चेयर पर बैठकर अपने पैरों पर चाय की प्लेट रखकर लोगों को सर्व कर रहा था। और ये एक दिल को अंदर तक लगने वाला मोमेंट था। यानी वो बंदा जो चल नहीं सकता, वो तब भी बैठा नहीं बल्कि वो वहां पर काम कर रहा है। सुबह 7 बजे से रात को 9-10 बजे तक वो अपना काम करता है, पैसे कमाता है और तब जाकर वो आराम से सोता है। यानी दुनिया करने वालों को सलाम करती है, बहाने बनाने वालों को नहीं। कुछ छोड़ने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी वजह होती है, पर साथ रहने के लिए और कुछ करने के लिए बस एक ही वजह होती है और उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ बातें जो आपको अपनी थिंकिंग में सेट करनी चाहिए, जिससे आपकी सोच बदलती है, जिससे आपका 2023 2022 से अलग बन सकता है। उसमें सबसे पहले है, एक्टिव रहो और रिटायर मत हो। यानी लोग काम छोड़ देते हैं, काम करना नहीं चाहते, कई बार काम छोड़ने के बाद वो दूसरा काम ढूंढते हैं, जबकि आपको इस थिंकिंग को बदलना होगा। रिटायर होने से मतलब है कि एक जगह पर टिककर आपको काम करना होगा, ये नहीं कि कभी भी मन में आया और काम छोड़ दिया। अब जैसे एक बंदा था जो लोगों की बातों को बहुत ज्यादा दिल पर लेता था, कोई काम करता, किसी को बताता कि मैं ये कर रहा हूं और लोग बोलते कि यार ये भी कोई काम है, तो उसका मन खराब हो जाता और वो बस काम छोड़ देता। ऐसे कोई और काम करता और फिर कोई दूसरे लोग उसको कुछ और काम बता देते तो उस लाइन में चला जाता, यानी एक जगह पर टिक कर काम नहीं करता था। और इसी वजह से उसका फोकस बार बार हिलता था, जिससे वो ठीक से अर्निंग भी नहीं कर पाता था। इसके बाद थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ, यानी देखी होगी मेरे चैनल पर कोई वीडियो तो हुआ थोड़ा माइंडसेट चेंज। फिर बंदे ने एक ही जगह जहां पर वो काम कर रहा था वहां पर पूरा ध्यान लगाया, कौन क्या बोलता है क्या नहीं वो सब छोड़ा और एक ही जगह से अर्निंग करनी शुरू करी, थोड़ी सेविंग की और अपनी नई दुकान ओपन करी, जिससे अर्निंग भी शुरू हुई, काम भी चलने लगा और बंदा अब खुश भी था। यानी एक जगह टिकना और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यानी बहाने मत बनाओ, बस एक जगह पर लगकर काम करके देखो। इसके बाद नेगेटिव छोड़ो और जो सही लोग हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। हमें हमेशा लोगों की बातों से सीखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते रहोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी, पर उतना कभी भी नहीं सीख पाओगे जितना सीखना जरूरी है। इसलिए लोगों को देखो जो अपनी लाइफ में किसी अच्छे मुकाम पर है, उनसे बातचीत रखो, देखो वो लाइफ में आगे क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है। ये चीज आपको नया माइंडसेट देती है, आपको दीन दुनिया को समझने का मौका देती है। और इसके बाद है, नीयत साफ रखो, अपने हक का खाओ, किसी के हक का मत खाओ। छोटी सी चीज है मगर बड़े काम की है। दूसरे की लाइफ को देखोगे कि वो इतना कमा रहा है, उसके पास तो उतना पैसा है, तो जलन की भावना पैदा होती रहेगी और कभी आपकी लाइफ में संतुष्टि आपको महसूस नहीं होगी, जबकि आपको अपने हक की चीजें देखनी चाहिए। दूसरा किससे कितना कमा रहा है और उसके पास कितना पैसा है, ये सब छोड़ो, क्योंकि किसी और का हड़पने से हमेशा नुकसान नहीं होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बुरी चीज कहां पर असर कर रही है, और जहां पर आपको दुआ मिलने लगेगी, आपने सिर्फ अपने हक का खाने पर ध्यान दिया, वहीं आपकी जीत होनी शुरू हो जाएगी। और ये चीज आपको जिंदगी में सुकून से रहने का भी मौका देती है। और फिर 2023 में अपने पैशन पर भी काम करो, जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो जो आपके मन की चीजें हैं, जैसे गाने बनाना, डांस करना, एक्टिंग करना, या कुछ भी चीज जो आपका पैशन है, उसे आपको जिंदा रखना होगा। क्योंकि कभी कभी लाइफ अलग अलग अपॉर्चुनिटी हमें देती है, हमें नहीं पता होता कि कौन सा सिक्का हमारा चलेगा, पर क्योंकि आपका मन करता है ये सब करने का, आपको अगर ये चीजें गॉड गिफ्ट के तौर पर दी गई है तो आपको खुद में ये जिंदा रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रोज इस पर काम करो, पर जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे वीक में 2 दिन काम कर लिया या वीक में 1 बार काम कर लिया, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज आपको खुशी जरूर देगी और आपका माइंडसेट एक सही डायरेक्शन में काम करेगा। आप डिप्रेस नहीं होगे, बल्कि आपको रिलैक्स फील होगा, किसी भी तरह की चिंता आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि एक तो आप अर्निंग करने पर ध्यान दोगे, दूसरा सही लोगों से कनेक्शन रख के उनके एक्सपीरियंस से सीखोगे, तीसरा आप एक्सरसाइज करोगे और अपनी नीयत साफ रखोगे, और चौथा अपने पैशन को भी अपने साथ रखकर आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।
वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।